पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय वैश्य फेडरेशन की जिला अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता ने नगर अध्यक्ष सीता अग्रवाल के साथ मिलकर सरोजिनी नायडू जूनियर हाई स्कूल नगर क्षेत्र चंदोसी में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति बालिकाओं को जागरूक करते हुए एक वर्कशॉप आयोजित की। उसमें सैनिटरी पेड़ों का विवरण किया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना द्वारा वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात बालिकाओं ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। डॉक्टर कविता गुप्ता ने कहा कि सभी फीमेल्स द्वारा अपने शरीर के सभी अंगों की उचित तरीके से देखभाल करना उनकी जरूरत भी है और उनका अधिकार भी। उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 36 करोड़ महिलाओं में से केवल 20% महिला ही सैनिटरी पैड का प्रयोग करती हैं, जो कि एक निराशाजनक आंकड़ा है। इसलिए इस दिशा में निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन प्रधान अध्यापिका डॉक्टर दुर्गा टंडन ने किया। अभिषेक गुप्ता विद्यालय के समस्त स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। सीता अग्रवाल अखिल भारतीय वैश्य फेडरेशन की नगर अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ स्कूल में बच्चों को अवेयर करने आई थी, क्योंकि सारी सृष्टि इसी से चलती है और इसकी साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता के लिए हमारे यहाँ जो छोटी जगहों पे लोग अवेयर नहीं है, गांव में या छोटे प्लेसेस पे, बड़े शहर में तो बहुत अवेयरनेस है, तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जिससे इस चीज़ की हम सुरक्षा रख सकें और अधिक से हेल्दी बच्चों को हम रख सकें। और बच्चे हेल्दी होंगे तो हमारा समाज, आगे की सृष्टि सब हेल्दी होगी। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर पैड वितरण के लिए आए थे और हम लोगों ने वो कार्यक्रम किया। मेरा नाम है दुर्गा टंडन, मैं सरोजिनी नायडू जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे विद्यालय में पैड वितरण कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर श्रीमती कविता गुप्ता जी और श्रीमती सीता अग्रवाल जी, इन दोनों ने हमारे विद्यालय में आकर के पैड बांटे और लड़कियों को स्वच्छता और उनके सुदृढ़ीकरण पर बहुत जोर दिया कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि वह इसे ध्यान देंगे तो बीमारियों से बचेंगे और आधुनिक होंगी और वो सब काम कर सकेंगे जो कपड़े के साथ वो नहीं कर पाए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे भारत में 80% महिलाएँ पैड इस्तेमाल नहीं करती हैं, अवेयर नहीं हैं अपने साफ सफाई के लिए। तो मैं सलाह ये दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए, और इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने ये पैड वितरण कार्यक्रम किया है और हाइजीन की जानकारी दी है कि किस तरीके से हर महिला को और हर बच्ची को अपने आप को साफ सुथरा रखने का हक है और बीमारियों से दूर रहने का हक है। तो बस इसी जागृति के लिए हम लोगों ने ये पैड वितरण किया है यहाँ पर, जिससे कि बच्चों को हम जानकारियाँ दे सकें, क्योंकि ये बड़ा भारत का दुर्भाग्य है कि आज के दौर में इतना, जब भारत आधुनिक हो रहा है, अभी भी 80% महिलाएं जो हैं वो अपनी स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देती हैं। तो ये ज़रूरी है।